नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस वीडियो के बारे में जो बहुत दिन से अवेटेड था और जिसमें काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम कंपैरिजन कर सकें प्रिज्मा कलर्स को और फेबर कैसल कलर्स को, जो कि दोनों पेंसिल कलर्स हैं। हालांकि दोनों के मेड और स्टाइल में बहुत डिफरेंस है, एक वैक्स बेस्ड है और दूसरा ऑयल बेस्ड है, तो उस पर आज बात करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे दोनों पेंसिल्स में से कि आपको कौन सी पेंसिल परचेज़ करनी चाहिए और कौन सी पेंसिल को आपको सेकेंडरी रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पेंसिल मेरे पास हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास फ्रेंड्स एक तो प्रिज्मा कलर प्रीमियम का पेंसिल है जो 48 शेड्स का है। इस पर हालांकि मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका था, लेकिन उसमें केवल मैंने उसको रिव्यू किया था। आज मैं उसके कलर्स के बारे में भी बात करूंगा कि उनके कलर्स में कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं और उनकी जो क्वालिटी है कलर प्रोडक्शन की वो कैसी है, पेपर के ऊपर कैसी लगती है, इस पर भी बात करेंगे। पहले इसका छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको कि मैं किन प्रोडक्ट की बात करूँगा इस वीडियो में। तो पहले ये प्रिज्मा कलर है जो कि 48 क्वांटिटी है, जिसमें 48 कलर्स हैं पेंसिल्स के, आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टिन शेड का डिब्बा है और देखिए इस तरीके से पैक्ड होके आता है, ये आपने पहले भी देखा होगा शायद। तो ये इस तरीके से है, 24 इसमें होते हैं और 24 इसमें होते हैं, तो टोटल 48 हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की ओर जो कि है फेबर कैसल, पॉलीक्रोम्स बोलते हैं इनको। और ये मेरे पास 24 नंबर्स में है। प्राइजेस पे भी बात करेंगे फ्रेंड्स कि दोनों के प्राइजेस में क्या वेरिएशंस हैं, क्योंकि इनके प्राइजेस हमेशा चेंज होते रहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसके प्राइजेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते आप कि आज अगर आपको इस प्राइस में दिख रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए इनके प्राइजेस को हम कोट नहीं कर सकते कि आज इसका ये प्राइस है तो कल क्या होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द डॉलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये 24 है, जिसमें से कुछ पेंसिल्स मैंने यहाँ भी निकाल के रखी हैं, इसलिए इसमें कम दिख रही हैं आपको। तो अब इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं। पहले इनके प्राइसेस की बात करता हूँ। जब मैंने ख़रीदा था फ्रेंड्स आज से लगभग 2 से 3 साल पहले, तो फेबर कैसल मेरे को पड़ा था अराउंड 2200 से 2300 के बीच में, और इसके 21 शेड्स थे, 24 शेड्स थे सॉरी। और प्रिज्मा कलर मेरे को पड़ा था अराउंड 2500 का, जिसमें 48 शेड्स थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इसके प्राइसेस में, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो इसके प्राइसेस दिख रहे हैं अमेज़ॉन पे वो लगभग सेम हैं, इसके 24 और इस प्रिज्मा कलर के 24 लगभग लगभग इक्वली प्राइसेस हैं। तो इसलिए प्राइस का कोट नहीं कर सकते हम, इसीलिए मैंने पहले भी बोला आपको प्राइस लगभग इनके सेम हैं। अब इनकी क्वालिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो प्रिज्मा कलर जो होता है वो उसकी जो वुड होती है वो वुड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और ये खुद मैन्युफैक्चरर भी ये बोलते हैं कि हमारी वुड बहुत हाई क्वालिटी वुड नहीं है, लेकिन जो कलर प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है, वैक्स बेस्ड है। और लेकिन वुड एट द सेम टाइम उतनी अच्छी नहीं होती, जब हम इसको शार्प करते हैं तो ये ब्रेक होने लगते हैं बार बार, तो इसलिए इसके वुड इतने अच्छे नहीं होते। एट द सेम टाइम अगर हम इसकी बात करें फेबर कैसल पॉलीक्रोम्स की, तो इसके वुड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। अगर आप इसको इवन ज़मीन पे गिरा भी देंगे तो भी ये नहीं ब्रेक होते, और इसकी वुड अच्छी है, इसकी लेड भी बहुत अच्छी होती है। ये ऑयल बेस्ड होते हैं इसलिए इतने ज़्यादा ये ब्रेक नहीं होते। लेकिन और एक किसी ने मुझसे एक क्वेरी ये भी पूछी थी कि क्या हम इसको जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो क्या फिर हाथ से अगर इसको रब करेंगे तो क्या हाथ में आते हैं। ऐसा नहीं होता, इतने ज़्यादा ये ऑयल बेस्ड नहीं होते कि आपके हाथ पे आने लगें, जैसे पिस्टल्स आने लगते हैं आपके हाथ पे, तो ये बहुत अच्छे से पेपर के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद ही फिर ये बहुत लॉन्ग टाइम तक पेपर पे ही रिटेन रहते हैं। तो अब चलिए फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, जिसमें मैं आपको एक पेपर यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक ब्रिस्टल पेपर लिया है जो कि काफ़ी यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम वीडियो के उस सेक्शन की तरफ जहाँ पे हम इन दो पेंसिल्स को कंपेयर करेंगे, जो कि सिमिलर कलर वैल्यूज़ हैं जिन पेंसिल्स की। एग्जैक्ट सिमिलर तो कभी नहीं मिलेगा, बट सिमिलर आसपास के रेंज मिल जाते हैं इजीली इस शेड, इस रेंज ऑफ शेड्स में। तो अब आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, जिसमें ये गोल्डन आपको दिख रहा होगा रिंग जैसा, ये सारे पॉलीक्रोम्स हैं फेबर कैसल्स के, और जो स्ट्रेट केवल नॉर्मल पेंसिल जैसा दिख रहे हैं, कलर्ड पेंसिल जैसा, वो प्रिज्मा कलर्स हैं। तो ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम दोनों के कलर प्रोडक्शन की बात करते हैं, कैसे कलर प्रोड्यूस करते हैं दोनों के दोनों। तो पहले मैं लेता हूँ फेबर कैसल और इसको मैं एक सर्कल करके उसके अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा।
आप देखिए कि किस तरीके का कलर प्रोडक्शन है इसका। तो ये देख रहे होंगे आप फ्रेंड्स कि मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ बस आपको ये समझना है कि दोनों के कलर की क्वालिटी कैसी होती है। हालांकि इसको ही जज करके आप इस पेंसिल्स को खरीद सकते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो कि प्रिज्मा कलर है वो काफ़ी ब्राइटन है, काफ़ी ब्राइट कलर प्रोडक्शन है। और ये पेपर के ऊपर बहुत कम्प्लीटली चढ़ भी जा रहा है बहुत इजीली, क्योंकि वैक्स बेस्ड है इसलिए थोड़ी सी वैक्स भी इसमें से निकलती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे उंगली से करेंगे तो आपकी उंगली पे आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आता ये, ना कि फेबर कैसल तो और भी नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपके पेपर के हाथ के ऊपर आ जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा उससे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जहाँ तक कलर के लाइटनेस की बात है, जो जिसको हम ये बोलते हैं कि कितने ज़्यादा लाइट शेडेड हैं आपके कलर्स, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, तो उसमें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्रिज्मा कलर की कलर प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फेबर कैसल। बट दैट डिपेंड्स कि क्योंकि पेंसिल ऑयल बेस्ड है इसलिए इट विल टेक टाइम टू गेट दैट लाइटनेस। अगर आप इसको बार बार ओवरले करेंगे इसी के ऊपर तो डेफिनेटली ये इस ग्रेड तक पहुँच जाएगा। तो ये इसकी एक डिफरेंसेस हैं जो आप समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं बाकी दोनों अदर पेंसिल्स को देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। अब उठाते हैं फ्रेंड्स दूसरी पेंसिल्स को, दो सिमिलर पेंसिल्स को, और इन दोनों पेंसिल्स को देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स यहाँ पे, जो यहाँ पे कलर है पेंसिल के ऊपर वो कलर ही यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ये कि खासकर मैं देख रहा हूँ प्रिज्मा कलर के साथ ऐसा है। तो जब आप कलर को आइडेंटिफाई करते हैं तो खासकर इसी से करते हैं, जो कि ऊपर वुड का कलर जो दिया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे ट्रू नहीं है। मतलब आपको काफ़ी डिफिकल्टी आ सकती है इस चीज़ में, जब आप फेस वगैरह बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, तो उसमें जब आपने एक कलर उठाया तो आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो यहाँ कलर है वही कलर अब मेरी ड्राइंग पे आएगा, बट वो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए प्रिज्मा कलर का ये एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि वो ट्रू कलर्स हमें नहीं बता रहा कि एग्जैक्ट कलर्स क्या हैं। पहले मैं फेवर कैसल को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ देख रहे होंगे आप फ्रेंड्स कि फिर से इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लाइट प्रोडक्शन है प्रिज्मा कलर्स का, और एट द सेम टाइम फेबर कैसल का थोड़ा सा डार्क प्रोडक्शन है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है दोनों ही पेपर के ऊपर। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक आपको वियर्ड लग रहा होगा और एक अच्छा लग रहा होगा। दोनों के दोनों ही मुझे तो काफ़ी रीजनेबल लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इसी तरह से अदर टू पेंसिल्स का भी करके देखते हैं।
तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप फ्रेंड्स कि अगेन इस बार प्रिज्मा कलर के कलर प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये वैक्स बेस्ड होते हैं इसलिए इसमें बहुत सारी वैक्स निकलती है जब हम ड्रॉ करते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं वैक्स के जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और मैं हाथ पे भी लेके दिखाता हूँ, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं वैक्स के जो दिखाई देते हैं इस पर। बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं, कंसर्न वाली चीज़ नहीं जिस पर हम ये सोचें कि हमें कौन सा चीज़ प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो ये लास्ट है, इस लास्ट को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये मैं बहुत जल्दी से कर रहा हूँ, बहुत वेग कर रहा हूँ, आप इसको बहुत आराम से भी तसल्ली से भी कर सकते हैं, बट पर्पस यहाँ पे इसका यही है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे दोनों पेंसिल से, अलग अलग पेंसिल से कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं और हम कैसे अप्रोच करेंगे अपने ड्राइंग को जब हम इनसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, थोड़ी थोड़ी वैक्स भी निकलती है फ्रेंड्स जब हम ड्रॉ कर रहे हैं पेपर के ऊपर, काफ़ी दिख रही होगी आपको, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वैक्स के। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे कि, और जो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा था, यहाँ पे भी प्रिज्मा कलर्स के कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको पहले समझा रहा था, देखिए यहाँ जो कलर दिया हुआ है पेंसिल का, जो कलर है मेन, वो कलर इसके रिजल्ट्स का नहीं है। बट फेबर कैसल में ऐसा नहीं है, फेबर कैसल में जो कलर इस पर दिया है वैसा ही कलर लगभग लगभग यहाँ भी मिल रहा है हमें। तो इसलिए फेबर कैसल काफ़ी प्रीमियम कलर पेंसिल्स बनाता है, जिसको ये पता है कि उसके जो यूज़र्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ के रिगार्डिंग कि वो कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं और कैसे रिजल्ट्स उन्हें मिल रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे एक बार प्रिज्मा कलर्स पेंसिल के ऊपर, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अदरवाइज़ दोनों ही पेंसिल्स अच्छे हैं फ्रेंड्स, आप दोनों पेंसिल को ऑप्ट कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आपको, कि जैसे कि आप इंडिया में अगर हैं तो दोनों के प्राइजेस कैसे मिल रहे हैं, और आप उसमें ये ज़रूर देखिएगा कि आपको कितने प्राइस में कितनी पेंसिल्स मिल रही हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पेंसिल्स का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट आपको 24 के तो ऊपर ही पेंसिल लेनी चाहिए जब भी आप इन पेंसिल्स को ख़रीदें, और अगर आप चाहते हैं कि इनसे कोई पोर्ट्रेट बनाएं या फिर कोई लाइफ स्टिल लाइफ बनाएं, तो इसमें आप ज़रूर 24 नंबर ऑफ़ पेंसिल से ज़्यादा ही खरीदिएगा। 24 भी खरीद सकते हैं, और उससे कम नहीं खरीदेगा कि 12 कलर का आपने मंगा लिया, क्योंकि उससे फिर पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आपका। तो फ्रेंड्स थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।